हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया प्रोडक्शन फंक्शन का चैप्टर है और टॉपिक का नाम है आइसोक्वांट आइसोक्वांट का क्या होता है वो डिस्कस करेंगे और किस तरीके से आपने पेपर में लिखना है उसी तरीके से मैंने लिखा हुआ है तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले बता दू कि आइसोक्वांट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसके डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स होंगी और लिंक्स भी होंगे चलिए शुरू करते हैं एंड आइसोक्वांट इसका मतलब होता है इक्वल और क्वांट का मतलब होता है क्वान्टिटी तो आइसो क्वांट का वैसे मतलब देखा जाए तो इक्वल क्वान्टिटी होता है तो अब अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूं तो अगर आपको इंडिफरेंस कर्व आता है तो आपको आइसोक्वांट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आइसोक्वांट हमें बताता है डिफरेंट कम्बिनेशन इस कर्व्स के ऊपर क्या है डिफरेंट कम्बिनेशन किस चीज के कम्बिनेशन है टू फैक्टर्स के लेबर के और कैपिटल के लेबर और कैपिटल के टू डिफरेंट जो कम्बिनेशन है वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंडिफरेंस कर्व में क्या होता था डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जिससे हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट बनती सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती थी यहाँ पे क्या है डिफरेंट कम्बिनेशन टू फैक्टर्स जो कि हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट बना के देते हैं ऑब्वियसली अगर लेबर को बढ़ाएंगे तो कैपिटल कम होगी और अगर कैपिटल को बढ़ाएंगे तो लेबर कम होगी ताकि हम सेम लेवल ऑफ आउटपुट को मेनटेन कर सकें <coughs> अब इस चीज को समझने के लिए आपको

डिग्री ऑफ सब्सिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स और जरूरी नहीं है कि इसकी शेप हमेशा ही कन्वेक्स हो कौन कौन सी शेप्स हो सकती है मैं सारी बताऊंगा और उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे द थ्री अदर पॉसिबल प्रोडक्शन आइसोकॉन्ट्स आर लीनियर आइसोकॉन इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट आइसोकॉन्ट तो ये भी हो सकती हैं ठीक है तो जितनी भी टाइप्स हैं आइसोकॉन्ट की उनको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां जाके लिंक से क्लिक करके देख सकते हैं तो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ कि आइसोकॉन्ट इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स आइसोकॉन्ट शोज द कंबिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स थ्रू विच वी कैन प्रोड्यूस सेम लेवल ऑफ आउटपुट आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक केयर बाय बाय